और बिग बॉस यही चाहते हैं कि मैं इसे बार बार आता रहूं। बिग बॉस के बारे में खरीदी क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो स्टेटस चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक मैं था मैंने थोड़ी शांति बना के रखी थी, लेकिन क्या मैं तो लोगों को समझा बुझा के प्यार से काम चला रहा था ना, लेकिन मेरे निकलते ही अब वहाँ धड़ाम धड़ूम शुरू हो गया है, मारपीट भी शुरू हो गई है, किसी को चोट लगी रही, किसी को कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं, उसमें कुछ नया टर्न आएगा। लेकिन अनुप जी, रिसेंटली टीजे ने भी आपको वो डिनर पे इनवाइट किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात हुई बिग बॉस को लेकर और करणवीर के बारे में? देखिए करणवीर जो है वो 4 साल का था जब से मैं उसे जानता हूँ, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो उनके पिताजी मेरे दोस्त हैं, तो मेरा मन था कि मैं टीजे को मिलूँ, टीजे को बताऊँ कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, वो भी बहुत जानना चाहती थी, तो मैंने उसे सब बताया और वो भी कह रही थी जहाँ जहाँ केवी की कुछ कमियाँ हैं वो भी बता रही थी, मैं भी उनको बता रहा था। तो अब लगता है कि केवी पहले से थोड़ा अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे आगे, और जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, क्या पता जसलीन भी जीत सकती है। सर देखिए मुझे अभी तो रोमिल लग रहा है, अब आगे पता नहीं, श्री भी आ सकता है, दीपक भी आ सकता है, दीपिका भी आ सकती है, जसलीन भी आ सकती है, जो जो रुके हैं वो सब आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे रोमिल लगता है। ओके सर, टीजे ने कहा था कि पर्सनली बहुत बुरी किया जा रहा है करणवीर को लेकर, सलमान खान भी बहुत उनको छोड़ कर उन्होंने पर्सनल लेटर भी लिखा सलमान खान को लेकर, तो आपका क्या मानना है, आप सही मानते हैं? मुझे 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 क्या लगता है कि क्योंकि केवी और सलमान काफ़ी क्लोज हैं, वो पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को लिबर्टी मिल जाती है कि हम तो इसको जानते ही, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो उनके फ़ैन होते हैं, केवी के जो फ़ैन हैं, वो कहीं कहीं उनको बुरा लग सकता है और उनकी वाइफ को भी बुरा लग सकता है, तो इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा सलमान को। लेकिन ये बहुत सही है कि जब आपस में जान पहचान अच्छी हो तो इंसान थोड़ी लिबर्टी ले लेता है। थैंक यू। अनूप, जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना, कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। तो अरे ये थोड़ा नीचे तो रखो, तुम उधर मुंह कर क्यों हंस रहे हो, तुम मेरा कांड ना कर दो यहाँ। अनूप जलोटा जी, अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ कांड करूंगी, चिंता ना करना, पूरा कांड। ये कौन है? भैया हम एक ही राखी को जानते हैं, एक ही राखी को जो गुलजार साहब की वाइफ थी, इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी, इनको नहीं जानते? अरे इनको जानने की क्या जरूरत है, अच्छे अच्छे लोगों को जानो यार। अरे इनको जानने की क्या जरूरत है, अच्छे अच्छे लोगों को जानो यार। मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी कांड नहीं कर सकते तो गर्लफ्रेंड टिकेगी नहीं जसलीन, और जो बिग बॉस में दूसरे जो हैंडसम डूड लड़के हैं वो जसलीन को उड़ा ले जाएंगे और उनके साथ में उनका अफेयर हो जाएगा। एक्चुअली क्या ना, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है उनको पहले से 3 बीवियाँ भाग गई, और ऐसा कौन सा कांड करते कि 3 बीवियाँ भाग गई, वो शायद कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हर यंग लड़की को पीछे जाते ही है और हर लड़की से वो अफेयर करते हैं, और मैं सच कहती हूँ कि कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप बिग बॉस और कितना मिस कर रहे हैं बिग बॉस? हाँ बिग बॉस मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ बिजी हो गया, आज यहाँ आ गया, कल कहीं और होऊंगा, शाम में बहुत बिजी रहती, लेकिन मैं फिर जाना चाहता हूँ, मुझे अगर ले जाएं तो बहुत अच्छा। सलमान कमाल का होस्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, और बहुत मुझे उन्होंने इज्जत दी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जसलीन को कितना मिस कर रहे हैं आप? उसकी बात ना करें, हम लोग यहाँ कुछ और करने आए, उसकी बात ना करें, हम लोग यहाँ कुछ और करने आए, ठीक है।